जनता कह रही है चेंज इन 24। भारतीय जनता परेशान है, भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। जो युवा है जिनका पेपर लीक हुआ है, इस बार वो युवा कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देंगे। चेंज इन 24। यस यस यस। ओके, सो देयर विल बी अ चेंज। द वन सीट जो ये लोग जीते हैं वो भी इनसे छिन जाएगी। सो महागठबंधन एक्चुअली जीरो पे आउट होगा, ये चेंज जरूर आएगा। बट जिस चेंज की बात ये कर रहे हैं वो चेंज होगा, किशनगंज वाली सीट भी इस बार अमल जीते। देश की जनता कह रही है चेंज इन 24, चेंज इन 24। भारतीय जनता परेशान है, भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। और खास तौर पे जो युवा है जिनका पेपर लीक हुआ है, इस बार वो युवा कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देंगे। जो युवाओं का पेपर लीक हुआ है वो युवा इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देंगे। और भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वो काम की बात नहीं करती है, वो कोई काम ही नहीं करती है, केवल झूठ बोलते हैं। जहर समाज में घोलना, लोगों को बांटना, नकारात्मक राजनीति करना, यही काम है उन लोगों का। तेजस्वी कह रहे हैं देश में चेंज इन 24, जनता चेंज इन 24। यस यस यस। ओके, सो देयर विल बी अ चेंज। द वन सीट जो ये लोग जीते हैं वो भी इनसे छिन जाएगी। सो महागठबंधन एक्चुअली जीरो पे आउट होगा, ये चेंज जरूर आएगा। ऐसी बातें करने की बजाय थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ा सा अपने प्रत्याशियों पे काम कर ले। जितना ध्यान मेरे प्रधानमंत्री पर, मुझ पर, हम लोगों पर ये लोग देते हैं, उसका 1% हिस्सा भी अपने प्रत्याशी, अपने गठबंधन की चिंता कर ले। बुला ले कांग्रेस के नेताओं को, बोल दे एक बार राहुल जी को, प्रियंका जी को, कि भाई थोड़ा सा समय बिहार को भी दे दें, तो इनके गठबंधन की मजबूती दिखेगी। गठबंधन की मजबूती दिखेगी तो संभवतः जो ये लोग अपनी जमानत तक नहीं कई सीटों पे बचा पाएंगे, तो शायद वो बचाने में कामयाब रह जाए। बट जिस चेंज की बात ये कर रहे हैं वो चेंज होगा, किशनगंज वाली सीट भी इस बार अमल जीतेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।